नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गांव किसान। दोस्तों ये वीडियो आप YouTube के साथ साथ मेरे Facebook पेज गांव किसान पे भी देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं आलू की कुछ ऐसी किस्मों के बारे में जिनकी पैदावार काफ़ी अच्छी है, साथ ही बताऊँगा कुछ नई किस्मों के बारे में भी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों इधर उधर की बात ना करते हैं और आपको जानकारी देते हैं आलू की कुछ नई और कुछ अच्छी किस्मों के बारे में जिनकी उपज काफ़ी अच्छी है। आज आप सभी को बताने वाला हूँ आलू की खेती के बारे में, क्योंकि आलू की खेती कर किसान भाई अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। आलू की खेती के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होती है आलू के बीज की। तो आज आलू की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में आप सभी को बताऊंगा जिनकी बुआई करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। तो इसी कड़ी में सबसे पहले जो किस्म है वो है कुफरी अलंकार। इस किस्म से मात्र 70 दिन में फसल तैयार हो जाती है। यह किस्म अंगमारी रोग के लिए कुछ हद तक प्रतिरोधी है। इसकी बुआई से प्रति हेक्टेयर लगभग 200 से 250 क्विंटल तक के आलू की पैदावार ली जा सकती है। दूसरे नंबर पर है कुफरी चंद्रमुखी। इस किस्म से मात्र 80 से 90 दिन में फसल तैयार हो जाती है, जिससे प्रति हेक्टेयर लगभग 200 से 250 क्विंटल तक आलू की पैदावार ली जा सकती है। कुफरी नवताल जी 2524। आलू की इस किस्म की बुआई से मात्र 75 से 80 दिन में फसल तैयार हो जाती है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर लगभग 200 से 250 क्विंटल पैदावार मिल जाती है। अगली जो किस्म है कुफरी बहार, कुफरी बहार 3792E। इस किस्म की बुआई से मात्र 90 से 110 दिन में इसकी फसल तैयार हो जाती है। बता दें अगर गर्मियों में इस किस्म की बुआई की जाए तो यह 100 से 135 दिन में फसल तैयार होती है। कुफरी सीलमान, इस किस्म की जो फसल है वो 100 से 130 दिन में तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर 150 से 250 क्विंटल तक की इसकी पैदावार है। अगली जो किस्म है वो है कुफरी ज्योति। इस किस्म जो है वो 80 से 150 दिन में फसल तैयार होती है और अगर पैदावार की बात की जाए तो 150 से 250 क्विंटल तक पैदावार देती है। अगली जो फसल है अगली जो किस्म है वो कुफरी सिंदूरी। इस किस्म से आलू की फसल 120 से 125 दिन में 125 दिन में तैयार होती है और 300 से 400 क्विंटल तक की उपज है इसकी प्रति हेक्टेयर की। कुफरी बादशाह, यह किस्म 100 से और 130 दिन में तैयार हो जाती है और उपज की बात करें तो 250 से 275 क्विंटल तक की पैदावार है। अगली किस्म है कुफरी देवा। यह किस्म मात्र 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है और अगर उपज की बात करें तो 300 से 400 क्विंटल तक इसकी पैदावार है। अब संकर आलू की कुछ किस्में की बात कर लें तो कुफरी जवाहर JH 222 है। इस किस्म का जो आलू है वो 90 से 110 दिन में तैयार हो जाता है और अगेता झुलसा और फोम रोग प्रतिरोधी किस्म है और प्रति हेक्टेयर 250 से 300 क्विंटल तक क्षमता मतलब पैदावार देने की क्षमता है। E4486। आलू की इस किस्म की बुआई मात्र 135 दिन में इसकी फसल तैयार हो जाती है, अगर उपज की बात करें तो 250 से 300 क्विंटल तक पैदावार हासिल कर सकते हैं। इस किस्म की बुआई हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश में के किसान के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी गई है। अगर आलू की नई किस्मों की बात करें जिनको आप बो सकते हैं तो उपयुक्त किस्मों में कुफरी गिरिराज, कुफरी चिप्सोना फर्स्ट, कुफरी चिप्सोना सेकंड, कुफरी आनंद, ये सभी नई वैरायटी की हैं। इनकी बुआई से आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों आलू की किस्मों से संबंधित मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। दोस्तों खेती किसानी संबंधित, पशुपालन से संबंधित, बागवानी से संबंधित खबरें पढ़ने के लिए मेरी वेबसाइट gaonkisan.net पर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।